कार्यकर्ताओं को इसमें उनकी दशाओं के सुधार की। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजगार के निमित्त रूप से उनका मानदेय से बदलकर वेतन करना ये निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है। इन्हें स्थायी करना चाहिए। भुगतान समय पर नहीं होता है, सेवा का कार्य ज्यादा है, मानदेय कम है, उन्हें स्थायी कर मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता इसमें लगती है। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जहाँ पर जिस तरह की स्थिति में दूर दराज क्षेत्र में हमारा आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पर यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र जो जर्जर अवस्था में है और इसके लिए नए भवन की राशि दे करके इसको बनाना चाहिए और समय पर भी उसका भुगतान होना चाहिए। दूर दराज क्षेत्र में कहीं किराए पे देते भी नहीं और किराए के मकान भी नहीं मिलते, ऐसी पता होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन या जो करने की जो प्रक्रिया है, उचित समय पर चयन करना, नियमानुसार चयन नहीं होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानी रहती है, जिसे समयबद्ध प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए। धात्री माताओं एवं आंगन और उनके वजन और पोषण की व्यवस्था सुचारू रूप नहीं हो रही है, उसे व्यवस्थित करना चाहिए। पोषण व्यवस्था सुचारू रूप के करने के लिए जिस प्रकार की परेशानियां उस क्षेत्र में आती हैं, पूरे देश में है, क्योंकि निचले स्तर पर उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए इतनी परेशानी होती है, इतने काम लाद दिए जाते हैं और बड़ी हैरानी से महसूस करती है, जिसके कारण से उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मानदेय बहुत कम भी है और उनको स्थायी करने की आवश्यकता इस समय लगती है, क्योंकि वो यह कम मानदेय में इसलिए जो नौकरी करती है कि कम से कम यह मैं स्थायी रूप से यहाँ हो जाऊंगी और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूंगी, इसी आशा के साथ में वो कम मानदेय में भी काम करती रहती है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें इस प्रकार की ओर ध्यान दिया जाए और जिस तरह से शुद्ध पेयजल और जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस आंगनवाड़ी सेंटर पर भी नहीं होता। और निश्चित रूप से जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी सेंटर बहुत उस क्षेत्र में जर्जर अवस्था में और नए बनाने की आवश्यकता, उसकी भी पूरी राशि अलॉटमेंट करके बनाना चाहिए, तभी जाकर के यह काम निश्चित रूप से होगा। और अधिकतर चयन प्रक्रिया में ये होता है जहाँ राजनीति के दबाव, जैसे साल भर और डेढ़ साल दो साल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो आंगनवाड़ी सेंटर चलता कैसे होगा, इसलिए कोई सरल प्रक्रिया।